प्रेगालिन 75 कैप्सूल, इसके फायदे और उपयोग के बारे में बताते हैं और साइड इफेक्ट वगैरह क्या हो सकता है। प्रेगालिन की बात करें तो 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम, ये दो कॉमनली यूज करी जाती है। और ये जो कैप्सूल होती है ये नर्व पेन के लिए होती है, न्यूरोपैथिक पेन जो होते हैं। पेन कई तरह के हमारे शरीर में होते हैं, जैसे कि हड्डी टूटने के बाद दर्द हो या इन्फ्लेमेशन के बाद हो, कोई कट इंजरी लगने के बाद हो, मतलब आपकी स्किन में डैमेज हुआ हो या मसल इंजरी हो या नर्व में डैमेज हो। तो जो न्यूरल पेन होता है, नसों में जो दर्द होता है, जो कि काफ़ी तेज भी हो सकता है कई बार बिल्कुल, या कई बार ऐसा हो सकता है कुछ झुनझुनाहट सा हो, सुन्नपना सा हो जाए, कुछ चींटी काटने जैसा भी हो सकता है, तो इस तरह का न्यूरल जो पेन होता है, न्यूरल पेन मोस्टली जैसे रीढ़ की हड्डी में अगर कहीं चोट लग जाए या रीढ़ की हड्डी कहीं दब रही हो तब न्यूरल पेन हो सकता है, या डायबिटीज़ वाले मरीजों में हो सकता है, या एक हर्पीस जोस्टर करके बीमारी होती है उसमें जो वायरस का इन्फेक्शन होता है उसके कारण हो सकता है। तो इस तरीके से नसों में जो खिंचाव होता है तो वहाँ पे भी न्यूरल पेन हो सकता है, तो उन सब बीमारियों के लिए ये प्रेगालिन दी जाती है 75। तो जो नर्व पेन है, जैसा कि बताया कि चोट लगना या डायबिटीज, ये स्पाइनल कार्ड में इंजरी हो, कंप्रेशन हो, ये सब कॉमन कारण है जिसमें नसों में दर्द होता है, नर्व में पेन होता है, तभी प्रेगालिन दी जाती है। और कुछ सीजर के पेशेंट होते हैं उनमें भी, ये ऐसे मरीजों में जिनको झटके आ रहे हो तब ये प्रेगालिन दी जा सकती है। अभी हमारे शरीर में जो, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग तरह के पेन होते हैं और उसी तरीके से अलग अलग तरह की दर्द की दवाई है। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं क्या ये प्रेगालिन दर्द की दवा है, तो जी हाँ बिल्कुल दर्द की दवा है, लेकिन ये जो नर्व से संबंधित पेन होगा, नसों से संबंधित पेन होगा उसके लिए ये दवा काम करेगी, बाकी जगह के दर्द के लिए दूसरी तरह की और दवाइयाँ दर्द की आती हैं वो काम करेंगी। अब प्रेगालिन कैसे काम करती है अगर इसकी बात करें, तो शरीर के अंदर जो नर्व डैमेज के कारण पेन सिग्नल है हुआ है उसको ये कम कर देती है, उससे आपको दर्द में आराम मिलता है। ये टोरेंट फार्मा द्वारा बनाई गई है, और प्रेगालिन जो 75 मिलीग्राम वाली है उसकी प्राइस की बात करें तो 278 रुपीज़ है 15 कैप्सूल की। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये महंगी कैप्सूल है, आपको 18-19 रुपये की एक पड़ेगी। बहरहाल कैसे खाना है, क्या सावधानी रखना है, तो आप ये ध्यान रखें कि एक तो ये खाना खाने के बाद खाएं पानी के साथ में, दिन में एक बार या दो बार, डिपेंड करता है कि आपको बीमारी कितनी है। और ये ऐसी एक दवा है जो कि डॉक्टरी सलाह से लेना है और उनके बताए अनुसार ही उतने दिन तक आपको लेना है। तो अगर ये प्रेगालिन चल रही है तो जो मरीज हैं उनको क्या सावधानी रखनी है, ये अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखें कि ये दवा सडन कभी नहीं बंद करें। जैसा नहीं कि आपने दवा एक डेढ़ महीने खाए, दर्द में आराम हो गया तो अपने से आप बंद कर दिए। कुछ लोगों को विड्रावल सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि दवा बंद करने से फिर उनको और बीमारी का एहसास होता है, जैसे कि नींद का ना आना, एंग्जाइटी और दर्द हो सकता है, इस तरीके की समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप हमेशा डॉक्टरी सलाह से इसको कम ज़्यादा या डोज को ऊपर नीचे किया जाएगा। दूसरा, ये दवा वेट गेन कराती है, वजन बढ़ाती है, भूख ज़्यादा लगती है इसलिए वजन बढ़ता है। तो वजन आपका नियंत्रित रहे इसके लिए आप सही खाना चुनना पड़ेगा, और इसके अलावा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाथ पैर या चेहरे भी सूजन करा सकती है ये दवा। इसके अलावा इसमें प्लेटलेट कम हो सकता है और क्रिएटिन काइनेज का लेवल बढ़ जाता है, तो इसको भी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत रहेगी, जाँच कराने की ज़रूरत रहेगी। और एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जो ये प्रेगालिन है कैप्सूल, इससे क्या आदत पड़ती है, तो ज़्यादातर मरीजों को नहीं पड़ती, पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये आदत लग जाए, फिजिकल डिपेंडेंसी हो सकती है, मैक्सिमम मरीजों में नहीं होती। और जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं उनमें भी बड़ी सावधानी से इसको लिया जाता है, नहीं तो होता है कि शरीर में पानी भरता है, उससे हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, और ये दवा रिदम को भी चेंज करती है। तो ये दो वजह से हार्ट के पेशेंट ज़रूर बड़ी सावधानी से इसको लेंगे। और अगर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको ये दवा लेने से जी घूमता होगा या नींद ज़्यादा लगती होगी, थकान लगती होगी, सुस्ती लगती होगी, ड्राइविंग ना करें, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशन है, साइड इफ़ेक्ट आ सकता है अगर ये दवा लंबे दिन तक ज़्यादा डोज में तक चले तो। साइड इफ़ेक्ट वैसे मैंने कुछ बता दिए थे इम्पॉर्टेंट, कि एक तो ये वज़न बढ़ाती है, नींद आती है, थकान लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी होती है, कुछ सोचने में पानी भर जाता है शरीर में, मुँह का सूखना और विजन का ब्लर होना, डबल दिखना या धुंधला दिखाई देना। तो ये प्रेगालिन 75 मिलीग्राम जो एक कैप्सूल है जो कि न्यूरल पेन के लिए लिखी जाती है, उसके बारे में ये कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी है। आपको ये जानकारी हेल्पफुल होगी अगर ये दवा किसी को चल रही है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।